सबका उम्मीद ये थी कि काश एक लड़का पैदा हो जाए उसके बाद फिर एक लड़की पैदा होगी, मम्मी के हो तो हो को कोई कोई को तो बहुत ही गंदी नजर से लोग देखने था हाई स्कूल के पेपर आए उसके बाद हमने कही कि सर जी हम पढ़ लेने मेरे घर पे पैसा ऐसा नहीं हम तो इकट्ठे करके दे दिए तो सर जी बोले 不不 <gasps> नमस्ते फ्रेंड मैं हूँ शिवानी कुमारी आज हम आए गए जो स्टॉक के मंच पर मतलब ये मेरे बहुत बड़ा सपनो हो कि की काश हम इन तक जाए इन पर अपनी लोग लाइव बताते स्टोरी बताते हैं कि कैसे हमने स्ट्रगल करो आज हम भी वही आप सबके बीच शेयर करने जा रहे हैं मेरे जिला को नाम औरैया है मेरे छोटे से हम छोटे से गाँव से रहने वाले अरियारी गाँव बहुत ही छोटो गांव है मेरो तो मेरी मम्मी की तीन बेटियां आती उसके बाद घर परिवार रिश्तेदार का सबका उम्मीद ये आती कि काश एक लड़का पैदा हो जाए उसके बाद फिर एक लड़की पैदा होगी मम्मी के पास चार लड़कियां हो गई तो घर में इतनी घर में मातम सोचाएगा कोई खुश ना है तो कि एक लड़की पैदा होगी एक मतलब बोझ पैदा हो इसको हम बाहर कैसे झेले हैं फिर एक बार हम बहुत ही मतलब जब पैदा हुए थे तब तो हम भी बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए मतलब कोई कोई उम्मीद नहीं थी कि बचने की कि हम बच जाएंगे बदकिस्मती से हम बच गए सन दो हजार एक में हम पैदा हुए थे फिर उसके बाद जब हम डेढ़ साल के थे तो मेरे पापा ख़त्म हो गए ख़त्म होने के बाद घर में इतनी बुरी हालत हो गई इतनी बुरी हालत हो गई कि हम लोग के पास खावे तक को कुछ नहीं रहवे तक को कुछ नहीं रहवे का वही झोपड़िया ऐसी डरी थी वहाँ पर छप्पर पानी बरसों करे तो हम लोग सरकारी स्कूल स्कूलन में रान लगे जाए कि इन पर बच जाएँ पूरा सामान ढोले जाते कहूँ इधर रहते क्यों उधर रहते उसके बाद फिर फिर एक एक छप्पर बना उसमें रान लगे फिर उसके बाद हम चार साल के बेहे तो फिर हम हमें लगे तो कि सब बच्चा स्कूल जाता है तो हम जाए स्कूल मेरे घर में इतनी अच्छी तो वो है पर इतने अच्छे पैसन से तो हमते नहीं कि आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी हो उसके बाद फिर हम सरकारी स्कूल में पढ़न जान लगे चार साल के थे तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ सरकारी स्कूल में पढ़े इतनी अच्छी हमारी पढ़ाई नहीं है आप सबको बताएं तो उसके बाद फिर हम आ कक्षा आठ तक सरकारी स्कूल में पढ़े उसके बाद फिर फिर लगी कि अब हमने आठ तक तो क्लास कर ली है अब अब हम कहाँ पढ़े फिर हमने मम्मी से बोले कि मम्मी हमें पढ़ने हैं मम्मी बोली कि बेटी खैरें तक को तो पैसा नहीं हम तुम्हें पढ़ाए कहाँ से दें उसके बाद फिर हम हम खेतन के काम कर कर के कर कर के उसके बाद फिर हमने अपनों एडमिशन खुद कराओ कक्षा नाइन्थ में प्राइवेट स्कूल में गायत्री महाविद्यालय में फिर उसके बाद हम ज़्यादा तो पढ़न नहीं जा पाए कभी कापी नहीं पूरी कर पाए कभी किताब कुछ पूरो ही नहीं मेरो बस्ता हो पाओ और ऐसे हम जाते पढ़न तो मार खाते कि तुम्हारा कभी पूरो नहीं रात है तो कभी कभी हम जाते पढ़न हमेशा पढ़न नहीं गए हैं काम खेतन के काम और इधर उधर के काम इतने कर रहे हैं कि ये लगा तो कि चलो हमें कुछ खाएंग मिल जाए कभी इधर उनके घर पर खाए लोग को आस पड़ोस बहुत छोटे से गाँव से आते तो हम लोग इधर उधर खाए आते कोई दे तो खा लेते काऊ काम कर दो काऊ को झाड़ू लगा दी पोछा कर दो तब तो मिल जा तो उसके बाद फिर खेतन एतन को काम कर लेते पापा खत्म होने के बाद बहुत ही बुरी हालत होगी कोई घर को संभालन वालों नहीं है तो मम्मी मेरी नर्सिंग होम एक औरैया में प्रार्थना नर्सिंग होम है उसको ना वहाँ मैं काम करने लगी पाँच छः सौ रुपया मिल जाते मम्मी का महीना के सोग तो उसमें बताओ घर चार लड़कियाँ कैसे पालें लड़कियाँ भी बड़ी हो रही थी अब जिसके जिसके सरपम बाप को हाथ भैया को हाथ कोई ना कोई को ना हो तो बहुत ही गंदी नज़र से लोग देखने लगे हैं कि इनकी लड़कियाँ जवान हो रही हैं कहाँ से जे का करे हैं तो बहुत ही बुरी तरीके से लोग देखने लगे थे हम इतने अच्छे मेरी बहन कोई भी पढ़ी नहीं है थी कोई भी नहीं पढ़ो तो सिर्फ हम उस जगह थोड़े बहुत पढ़ रहे थे हम ही ना जितों पढ़ो हम ही पढ़े हैं बाद बाकी मेरी बहन कोई भी नहीं पढ़ी उसके बाद फिर मम्मी ने जैसे तैसे खेत थे मेरे पास थोड़े उस उनको रखा कर पटती पे बलकट पर तो उनसे मम्मी ने एक दीदी की शादी कर दई शादी के बाद फिर एक दीदी तो गई उसके बाद फिर तीन बहन है बच्ची तीन बहन के बाद फिर हम हमने अपनी पढ़ाई थोड़ी बहुत करी है उसके बाद फिर हम काम वाम कभी स्कूल जैसे जाते तो कभी पूरा काम करो घर को सानी चारों भैंसन को काम करके पूरो फिर यू ना हो तो कि हम दो पराठे ला स्कूल चले जाए ऐसे चले जाते स्कूल स्कूल से जब वापस आते छुट्टी होती उसके बाद हम खाना बना कर खाते दीदी मतलब और या मम्मी के साथ रहने लगी हम एक दीदी दोनों लोग घर पे ही बस अब कितो काम जा तो हम लोग कैसे खाद पे कैसे का करते हम लोगन के ना नहीं तो दीदी हम सब लोग इतने रो करते कि काश मेरे पापा होते कोई भैया हो तो हम हमारा सहारा बन जा तो कोई हतो ही नहीं तो हम का करते फिर उसके बाद फिर जब हम पढ़न जाते तो फिर फीस <laughs> <laughs> मास जब हम पढ़न जाते तो मास्टर बोले कि तुम्हारे तो पास फीस नहीं है तो हम तुम्हें कैसे पे नहीं नहीं तो, तो हमने जैसे तैसे गुजार दी जब हाई स्कूल हाई स्कूल के पेपर आए उसके बाद हमने कही कि सर जी हम पढ़ लें दे, मेरे घर पे पैसा ऐसा नहीं हम तो इकट्ठे करके दे दिए तो सर जी बोले ऐसे कैसे हम तुम्हें पेपर दे लेंगे फिर फिर हमने जैसे तैसे करके मम्मी से कही कि मम्मी सर जी फीस मांग रहे हैं हम कहां से पढ़ा पेपर नहीं दे दे रहे हैं फिर कहा गेहूं है तुम्हें पेपर दिए तुम्हें पेपर दिवा दिए तो मम्मी का उस उधार मांगती थी, थी कि भैया हमें उधार दे दो तो मेरी बिटिया पढ़ रही है तो मेरे गांव के मतलब बहुत ही खराब लोग रहे कि कोई हमेशा यही कहते कि ब्याज पर रुपया ले हो, तो ले, ले कब ऐसे पैसा नहीं दे हैं। तो बताओ अब ब्याज पर कितने रुपया लें उसके बाद फिर मम्मी ने फिर भी गेहूँ जो रखे थे मका गेहूँ बेच दे हमारे फीस खाजे फीस खाजे फिर मका गेहूँ बेच के हमने सात हजार रुपया उन्हें सरजी को सरजी को दे नहीं रुपया हमने मतलब हमारे दिमाग में ये चलत तो कि काश हमें फोन मिल जाए तो हम कुछ कर सके ऐसा लगत तो तो हमने हमने मम्मी ने मोह सात हज़ार रुपया दे उसके बाद हमने फीस नहीं दी उस स्कूल स्कूलन से हमने मास्टर कहते इतने आने सुने अब जब फीस दई नहीं हमने फिर मास्टर से कही कि सर जी हमारे मेरे पास फ़ीस नहीं है अगर पेपर देन दो दे। तो देने दो ना हम पेपर नहीं दिए हमने ऐसे बोल दई तो जो हमारे पास सात हज़ार रुपया आते उसके बाद दे रुपया हमने अपनी बड़ी दीदी के दे दे कि दीदी हमें सात हज़ार रुपया हमें फ़ोन दिला दो लेकिन तुम मम्मी का ना बताइ कि हमने फोन ले लो फीस के रुपया से तो दीदी दीदी हमें बोली कि तुम ऐसा क्या कर रही हो हमने कि दीदी तुम हमारी बात समझ जाओ तो हमें फ़ोन दिलाए दो दीदी बोली कि ठीक है अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हें फ़ोन दिलाए दे रहे तो हमें दीदी ने हमारे फ़ोन दिलाए दो वही रुपया से जो हमारी फीस की है तीन रुपया उसके बाद फिर उसके बाद हमने फोन ले लो अब हमने मम्मी से कह दे कि ये हमें रीना दीदी दी फोन दिला हुआ है तो मम्मी बोली ठीक है जब दिला हुआ है तो तुमने फीस दे दी हमने कि हाँ दे दई लेकिन फिर उसके बाद हमने टिकटॉक डाउनलोड करो टिकटॉक टिक डाउनलोड करने के बाद फिर हमें ये ना पता रहा है कि कैसा वीडियो बनाए जात का करो जात है इतने घबराते इत, इत, इत कि यू फोन कैसा चलाओ जे अल्लाह तो लो है इतने हम जब जग जाए तो बड़बड़ाए जहाँ बुझ जाए तो भड़बड़ा है कि ये खराब हो गो फ़ोन का उसके बाद फिर हमने जैसा तैसा फ़ोन चलाए वो सीखो एक मेरी फ्रेंड थी उससे हमने फ़ोन चलाया वो सीखो कि बताओ यो कैसे चलाओ जाइए फिर वहाँ हमें बताओ कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाए जाइए फिर हमने फिर टिकटॉक के वीडियो बनाए जाए पहले म्यूजिकली नाम हतो वह टिकटॉक को फिर टिकटॉक होगा उसके बाद फिर वीडियो बनात बनात कम से कम तीन चार साल निकल गए कोई रिस्पांस नहीं कोई कुछ नहीं मतलब हम बना जा रहे थे पागलन के तरीके से इस पर कोई रिस्पांस नहीं मिल लो तो डांस के वीडियो बनाते उस टाइम बोलन के वीडियो नहीं बनाते फिर, फिर जब कोई आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही थी हम करते का भाई बस मेरे पास एक सात हजार को फोन है तो वीवो को बस उसी से हम उसी से पागल पागल पंथी भूत सवार हो तो कि इससे हम कुछ कर सकता ये मुझे लगत तो लेकिन फिर कबू हम खेतर में काम करन गए तो हूं वीडियो बना ली कब वो कहूँ जा रहे हैं तो हूं वीडियो बना ली तो गांव गांव मोहल्ला वाले लोग इतने बुरी बुरी कहा ऐसे कहा कि देखो या नचनिया बन गई है मम्मी के सब कहा कि तुम्हारी बिटिया का पगली आ गई है ऐसी ऐसी वीडियो बना सबके सामने बच्चन पक्का असर बने हम आऊ बच्चा ऐसे बने अगर तुम्हारी मोड़ी वीडियो बनाए हम कर रोक पाए हैं तो मम्मी का ये बात ख़राब लग गई कि ये गांव वाले भड़का रहे थे हम मम्मी के एक तरफ एक तरफ हौसला दे रहे थे कि नहीं हम कुछ कर दिए मम्मी का लेकिन गांव वाले बहुत बुरी तरीका से भड़काए रहे थे कि नहीं तुम्हारी बिटिया बहुत गलत कर रही है ऐसो बिटिया अगर तुम्हारा बाप भैया हो तो बिटिया तुम्हारी ऐसो नहीं करती तुम देखो कितने गलत कदम उठा रही है तो मम्मी बोली कि हमें मम्मी समझाओ मारो बहुत ज्यादा कि तुमने ये सब काय कर रही है तुमने ये मारे फोन लो हमारी बेजती कराए मारे फिर हमने फिर मम्मी ने मेरो मतलब फोन फोड़ दो जब हम माने नहीं मार कर फिर वो समझाए दो ने कि अगर अब तुम दोबारा वीडियो बनाइए तो हम तुम्हें फिर बताइए उसके बाद फिर हम वीडियो बनाने लगे फिर मम्मी ने मेरो फोन फोड़ दो फिर बोले कि लो अब तुम वीडियो ही बनाए लो हम निकल जा रहे मम्मी फोन फोड़ कर मेरे घर से बाहर निकल गई कि अब तुम देखो क्या करे फिर मेरे पास रीना दीदी आई हम बहुत बुरी तरीका से रो रहे थे उस टाइम की मेरा फोनो फूट गो हम करें तो करे का अब है फिर फिर यह लगा कि अब हमें फ़ोन मिल जाए तो रीना दीदी जैसे रीना दीदी के पास छोट बीना दीदी के पास छोटो से फ़ोन है तो चला इस टच को तो हमने कहीं दीदी यू फ़ोन हमें दे दो फिर हमने उनसे मांग लो फोन की हमें यू दे दो दीदी हमारी बहुत अच्छी है कि हमें हमेशा से उन सपोर्ट करो रीना बीना दीदी ने और सुमन दीदी ने तो उनने हमें फ़ोन दे दो अपनो कम से कम दो महीना हमने वीडियो नहीं बनाए उसके बाद फिर हम वीडियो बनाने लगे फिर हमने टिकटॉक चालू कर दो फिर मम्मी से लगे कि अब फरवा बनाने लगी वीडियो अब हम करत कर मेरे ट्वेल्थ के एग्जाम भी आ रहे थे मम्मी कहाती मम्मी ने कही तुम फीस मम्मी को लग रो तो कि फीस के रुपया ख़राब कर दें हैं सात हज़ार रुपया हमने कैसा दे थे या का और यार पढ़न जात नहीं है अब हम पढ़न का जाएँ जब मास्टर ही उन बैठन देने फ़ीस तो दे नहीं थी तो उसके बाद ट्वेल्थ के पेपर आए पेपर तो हमने जैसे तैसे उसी दिन जाते जिस दिन पेपर बहो उसी दिन गए तो मास्टर ने भगाओ नहीं चिल्लाते जब हम पहले जाते तो चिल्लाते अगर उस दिन गए जिस दिन पेपर हो तो तब तो नहीं चिल्लाने तो फिर हमें पेपर दे लेने हमने ट्वेल्थ हाई स्कूल के दोनों पेपर कंप्लीट कर दे उसके बाद फिर फिर आते कि फिर हम वीडियो बनाने लगा था फिर हम जैसे कि मजूरी के रुपया मिले थे तो हम मेरे घर में ऐसी स्थिति थी कहो के पास चप्पल ना जूता कुछ ना है ऐसे नंगे पैन घूमत रात गांव में कुछ ना है तुम्हारे लोगन के पास तो फिर हमने कही दीदी हमारे रुपया मिले है दो सौ रुपया की हम बताओ उनकी चप्पल खरीद लाए तो दीदी बोली कि तुम्हें मिले हैं तो ले आ जाए हाँ तो हमारे मेरे घर के बगल में मेरे घर के पास में एक बाजार लगत है तो हमने उनका हम तो सबके पूरे घर की चप्पल खरीद ली उसके बाद फिर हमने सेल्फी कैमरा से वीडियो बना दी मेरे मुँह से हमने हाय फ्रेंडा कह दी हाय फ्रेंडा वाली वीडियो इतनी वायरल वही इतनी वायरल वही रात भरे में पंद्रह मिलियन वीडियो चली अब अब हमें पता ना रहा कि वीडियो वायरल होगी उसके बाद फिर दो चार लड़का मेरे घर पे आए गए सुबह अब मम्मी फिर चिल्लाए कि यू जा देखो पूरी नाक कटाए है कि लड़का लो आ रहे हैं घर में काय के मारे आ रहे हैं अब उसके बाद फिर हमने उनसे लड़ भाई उनसे कही भैया तुम लोग काया हो तो वे बोले कि दीदी तुम्हारी वीडियो वायरल भाई है हमें एक फोटो दे दो अब फोटो में मांग है तो अब भैया का रिएक्शन है जब वीडियो बनावे से मना कर वो जा रो है तो रिएक्शन फोटो देवे का तुम्हें तुम्हारे घर में बहन बिटियाँ ना है तुम इन पर फोटो मांगे चले आए ना चले तो ऐसे बोली मम्मी तो बोले कि हम कोई गलत तरीके से फोटो नहीं मांग रहे हैं अब फेमस हो गई हैं उनकी हमें एक फोटो चाहिए तब फिर हमने जैसा तैसा उन लड़कन का फोटो दे पाई अब अब लाइन की लाइन भैया लगी लाइन की लाइन लगी अब मम्मी का और बना ले वीडियो और बना ले वीडियो ना काम कर पाए रहे ना खाए पाए रहे तुम तुम्हें नए सम लगी रही हो देखें अब तुम अवका हो जाता है अब हम अब हम को भैया इतनी ना नॉलेज इतनी ना इतने पढ़े लिखे थे कि हमें ना का कहा है कहाँ ना कहा है फिर हम 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 सबसे कहान लगे भैया हमारे घर ना और मेरी मम्मी चिल्लाती हैं तो फिर उसके बाद फिर कुछ दिन बाद टिकटॉक बैन हो गयो अब टिकटॉक बैन होने के बाद अब समझे ना आए कि हमने इतनी मेहनत करी इतने ताने सुने इतने अब गाँव वाले ताने सुनाते कि कहे तुम तो वीडियो बनाती थी कर ली बदनाम बदनामी कराई ली तुम मिलो का ऊपर से यू सुनबे मिल लो तो फिर हम का कर रहे हैं का कर रहे हैं मतलब दिमाग मेरे काम नहीं कर रो तो कि हमने मेरी किस्मत में कहा है सो लिखो अब इतने इतनी बुरी किस्मत लेके हम पैदा भाई है तो हम कर रहे रात रात भर दिन दिन भर सोचो करें कि ना हमारी इतनी अच्छी पढ़ाई है ना हम कुछ काम कर सकते हैं ना घर से ना गाँव से, गाँ से कहीं बाहर जान दो जात है कि कोई कंपनी में काम कर ले जाए बस हुई तुम घिसो पिटो मरो चाहे कुछ करो यही यही स्थिति गांव की रात है गांव के लोग कभी मतलब गांव में लड़की अगर पैदा हो जा

अब तुम्हारी शादी कर दे रहे तुम जाओ घर हो घर आ जाओ कि हम गंगा नहाए ले मम्मी ऐसे बोली फिर हमने कही अब हम कुछ कह भी नहीं सकते कि अब हम कुछ कर पाए नहीं तो हम कहाँ करें तो फिर हम बोले कि ठीक है अब तुम्हें जो सही लगे उसके बाद मम्मी ने लड़का देखो लड़का मतलब ठीक ठाक घर से देखो कि चलो ये मेरी छोटी बेटिया है अब जैसो मिल जाए वैसो फिर मम्मी ने एक लड़का देखो फिरोजाबाद में लड़का ने सब मना कर देगी कि तुम्हारी बिटिया आप पढ़ी लिखी नहीं है गांव से आए हमें चाहिए ने पढ़ी लिखी अच्छी लड़की चाहिए तो फिर उनसा रिश्ता टूट गो कोई कोई फ़ायदा नहीं वो फिर उसके बाद फिर अब शेख सर अंसुल सर आए हमारे पास कि हमने तुम्हारे टिकटॉक पर वीडियो देखे थे हमने कि हाँ भैया अब क्या करा देखे थे टिकटॉक बैन हो गए हम का कर सकें बोले कि तुम YouTube पर काम कर सकती हो अच्छो ब्लॉग बना सकती हो अब हमें ब्लॉग ही नहीं पता तो कि हम बनाए का तो लेकिन नहीं हम तुम्हें बताओ करें हैं अब हम यही ना भरोसा रहा है कि इन पर हम भरोसा कैसे कर रहे हैं अन्य व्यक्ति है, है। का उस टाइम हमें इतने लोग आए इतने सपने दिखाए कि तुम बिग बॉस में चली जाओ टिक के टाइम जब हम वायरल हुए थे तो इतने लोग आए इतने सपने बड़े बड़े दिखाए कि हम आप सबको तो कर, ऐसे करे तुम बिग बॉस में चली जाइए तुम्हें इतो रुपया मिल जाइए तुम तुम नाटक बनाया होता तो मैं तो रुपया मिल जाए सब ऐसे कहते तो अब हम इन पर अंशुल और अब सर पर का भरोसा करें हम कहते भैया कुछ हो ना हो ये अब कुछ नहीं हम कर सका था तो इन हमें हम हौसला बढ़ाओ कि नहीं तुम ब्लॉग बना सकती हो अब मम्मी मम्मी तबू चिल्ला लगी कि अब तू फिर जाल में पड़न लगी अब जैसे तैसे हमने तो इन सब चीज़ों से छुटकारा दे पाओ अब जे आए गए अब जे टिकटॉक ये यूट्यूब यूट्यूब के बारे में बताने लगे हमने कही अब अब मेरो हम हम मतलब लग रो तो कि ये बता रहे हैं तो सही बता रहे हो या उसके बाद फिर हमने उनकी बात पर फोकस करो हमने कही ठीक है अब तो मैं ठीक लगा फिर हम आओ मन विचलित भाओ कि ना ना सर हम कुछ ना ये सब कर पाए हैं हमें ना इन सब करने फांसो अब हम जैसे हैं तैसे रहेगा है। उसके बाद फिर फिर अब शेख सर अंशुल सर माने ना कि तीन चार बार हमारे घर पे आए कि ना तुम कर सकती हो और तुम अलग कर रही हो ब्लॉग व्लॉग अच्छा तुम छः शॉर्ट ब्लॉग बनाती हो हमें पता ही नहीं हमने ठीक है तुम आ फिर मेरे एक शिवानी कुमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बनाओ उस पर हमने कम से कम हमने मेरो मन ही ना लगे काम करवे हम कैमरा फेस नहीं कर पाते कि बड़ी वीडियो हम सॉ बना सकें यूट्यूब की और गांव के लोग फिर ऐसा लगे कि देख अब यह कैसी भाषा बोलत है गोबर दिखाता है खेत दिखाता है ये को दिखे है वीडियो पर ऐसे सब कान लगे अब हम कहा अब जब हम फिर बिल्कुल टूट गए हम ना कि अब जी जे सब ही अब मजाक बना तुम हम पा पता नहीं का करवा रहे गोबर दिखवा रहे मम्मी चिल्लाती हैं सब करत हम का कर रहे बताओ अब फिर लगा कि नहीं कही सब अंसुल सरब चेक सर कहा कि नहीं तुम अच्छो कर रहे हो तुम्हें इनकी बातें सुन अब तुम सुन ले कुछ दिन बाद तुम्हारी यही तारीफ करें हैं तो फिर हमें लगो ठीक है अब हम कौ एक महीना में एक ब्लॉग बना देकर कौ बना ही ना करें दो दो महीना हो जाए ब्लॉग ही ना बनाओ करे ये लोग बहुत ही परेशान रहो करें इतनी हम मतलब इतो पढ़े लिखे में इतना नहीं जानते कि इतो इतनी मेहनत करिए तो इतने तक आ जाए फिर हमने ये, ये हमारे बहुत ही कमजोर हिंदी तक हम ना ही सही से पढ़ पाते उसके बाद फिर अब से एक सर ने हमें पढ़ाए वो चालू करो हमें या कहे कि तुम दो दो घंटा किताब पढ़ो करे हो हिंदी की तो तुम्हें पढ़वो आ जाइए फिर हम मन तो ना लगो करे लेकिन ये होकर अगर इनकी बात माननी है तो शायद मेरा कुछ हो जाए तो हम फिर पढ़वो चालू करे पढ़न लगे फिर हमें उसके बाद फिर हम पढ़न लगे फिर मेरी यूट्यूब से पहली इनकम आई बीस हजार उसके बाद फिर मम्मी का रुपया दें अब शेख सर ने कि मम्मी पूरी यूट्यूब की पेमेंट मम्मी के दे दे हमें तो एक रुपया तक मिलो, की, नहीं मिलो बमस कि हमने इतनी मेहनत करी हम एक रुपया खर्च कर ले तो मम्मी बोली कि ये रुपया चलो मम्मी का जब रुपया दें कि लगो कि हाँ कुछ करो है तब फिर थोड़ो थोड़ा उनसे सपोर्ट मिल वो चालू हो अब फिर हम ब्लॉग बना बना पाओगे तो मम्मी चिल्लाओ करे पहले तो मम्मी आके हमारा चिल्लाती थी कि तू वीडियो का बना दे जब हम वीडियो बनाए ना पाओगे तो मम्मी चिल्लाओ करें कि अब तुम वीडियो वीडियो कुछ नहीं बना पाई हो तुम कुछ नहीं कर पाई हो फिर बात हो सो फिर मम्मी अब से अब शेख सर ने कही कि आंटी हमें आप पंद्रह वीडियो को टाइम दो पंद्रह वीडियो हम बनवा दिए ओके बाद शिवानी की जीजी खुल जाइए फिर वह वीडियो बनाने लगे उसके बाद फिर हम सोचे कि ठीक है फिर मतलब फिर ऐसे धीरे धीरे करके धीरे धीरे करत करत ब्लॉग चालू कर लगे ब्लॉग बनाने लगे उसके बाद फिर फिर रुपया वो स्टार्ट होने लगो जब रुपया हाल लगो तो फिर अब गाँव मोहल्ला आस पड़ोस के सब या सुखात हैं कि बिटिया बनो तो शिवानी जैसी बनो ऐसे कान लगे सब इतनी ताने सुनी इतनी मारपीट खाई इतनी सब चीज करन के बाद फिर जब सुनब मिला था कि चलो बिटिया बनो तो शिवानी जैसी बनो तो अच्छो लगा है कि चलो इतनी मेहनत करे के बाद चलो ये तो सुनबैग मिलो यही मेरी जीत है उसके बाद फिर फिर सब अच्छो चलन लगो सब सपोर्ट करन लगे आप गरीब मरोगे नहीं आपके अंदर अगर लालसा है कुछ करने की तो यही मेरी कहानी है थी। यही से आपको धन्यवाद अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए ये मंच आज हमें मिलो है आप सबके बदौलत मिलो है अगर आप लोग की कोई कहानी हो तो यह मंच पे लोग बता सकें बेटर सैलरी चाहिए इंग्लिश जरूरी है मिडिल क्लास से बाहर निकलना है इंग्लिश जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर जगह इंग्लिश जरूरी है और जो स्टॉक्स निकल पड़ा है इसी मिशन पे आपको इंग्लिश सिखाने के मिशन पे जो स्टॉक्स के इंग्लिश स्पीकिंग ऐप के साथ आप भी अपने जैसे लर्नर्स के साथ बात करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं साथ ही आपको मिलता है डेली वोकैबलरी और ग्रामर लेसन इसका सब्सक्रिप्शन आता है सिर्फ सिक्स में जो कि दो प्रतिदिन से भी कम में है तो आज ही डाउनलोड करें